सुनीता वैसे ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। ऐसा है चुपचाप पूजा करने दो हमें। अभी नाराज हो क्या उनसे तुम? चिंता मत करो, मैं अगली बातों में नेकलेस ही दिलवाऊंगा। ठीक है ठीक है, तो ये बोलो पानी तो पी लो। नहीं दिलवाओगे? बोलो नहीं दिलवाओगे? अरे यार सुनीता यार दिलवा देंगे यार, तू भी देख फालतू की बातें करती है। यार जो तुझसे कह दिया यार, इस बार पैसे नहीं मिले हैं, फिर भी तू तोते की तरह रट लगाए पड़ी है तब से। अच्छा मैं तोता हूँ तो तुम्हें मजाक लग रही होगी अभी मेरी बातें? अरे यार ना लगा तेरी बातें मजाक यार बस। ना तुम्हें तो मजाक लगी रही होंगी मेरी बातें, अगर मुझे गुस्सा आ गई ना और मैंने व्रत तोड़ दिया तो तुम समझ लेना फिर। अब देख देख है, अब मतलब सुनीता तेरे ले एक नेकलेस की कीमत हमारी जान से ज्यादा होगी सुनीता। देख एक मामूली से नेकलेस के पीछे व्रत तोड़ देगी। हाँ तोड़ूंगी मैं व्रत, बनना मुझे नेकलेस दिलवाओ तुम। अरे यार सुनीता तू हमें एक बात बता यार, का क्या पैसा का यार का पेड़ पे लगते यार, पट्टी सीधे पैसा छोड़ो चट्टी सीधे तो नेकलेस दिलवा दो। अरे यार घर में चाची की बहुत जरूरत होती है, अम्मा को दवाई डिब्बानो है, चिंटू की स्कूल की फीस बननी है, तू तो तब से नेकलेस लाए पड़ी है, तूने हमें दुखी कर दिया सुनीता। सही है सही है, तुम अगर मुझे नेकलेस दिलवा दोगे तो तुम्हारी गृहस्थी डगमगा जाएगी। अब तुम हमारे सही खर्चे उठा रहे हो। सही खर्चे ये सुनीता, आज के टाइम पे परिवार पाल हुए मजाक ना है, तुम मजाक समझ रही है सो। हाँ मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ, मुझे नेकलेस दिलवाओगे कि नहीं? अरे इतनी देर से हम कुछ कह रहे हैं सुनीता, तेरी बिल्कुल समझ में ही ना आ रहा, तेरे लिए पति की कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं है? जा तोड़ दे ब्रेक, जा मत जान दे मुझे। सुना सुनीता मुझे अपना असली रंग दिखा दिया सुनीता, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। मैं तो मोहल्ले वालों से कहता बैठा था कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, मगर तू तो सुपन कहाँ निकली सुनीता, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा मैं सुपन कहाँ हूँ? सुपन कहाँ ही है तू, वो भी जिद कर गई, तू भी जिद कर रही है। जिद करने से किसी का भला नहीं होता सुनीता, उल्टा नुकसान ही होता है। हाँ मैं सुपन खाऊं, मुझे तो नेकलेस दिलवाओ तुम, मैं तो जिद करूंगी बस। ना सुनीता तू एक काम कर, तू अब तोड़ दे व्रत, जा अब पैसा उम्मीद भी और क्या कर सकता हूँ मैं। अरे अरे क्या हो गया, कैसे लड़े मरे जा रहे हो आपस में? अरे अम्मा कुछ ना हुआ, जाओ जाओ आप अपने कमरे में जाओ। ना 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 अभी तो तुम लोग लड़ रहे थे, कुछ व्रत व्रत तोड़ने की बात चल रही थी। ले देख अब ये अम्मा को पता चल गई, अब ये पूरे मोहल्ले में गाती फिरेंगी। सही है पता चल जाए तो गाने तो मोहल्ले में, मुझे क्या है? तुझे क्या है, मोहल्ले में नाक तो हमारी कटेगी। तो मैं कटवा रही हूँ तुम्हारी नाक, तुम्हारी अम्मी कहेंगी मोहल्ले में, मैं थोड़ी कह रही हूँ। यार तू आराम से बात नहीं कर सकती यार, तू फालतू में चिल्ला रही है। अम्मा अम्मा तुम अंदर जाओ, मैं जाओ। हम कहाँ चले जाए अंदर? तो हम चले जाते हैं अंदर, और जो फ्रिज पर सोन पापड़ी रखी है वो खा लेंगे हम सारी। सोन पापड़ी कब लेके आ गया तू? रात में लेके आया था, अब तुम बताओ जा रही हो कि मैं खा लूँ जाके? अरे मगर मेरा तो व्रत है आज। क्या व्रत? अरे सुनीता तूने अम्मा दवाई ना खवाई का? हाँ ना दी, और मुझसे बोलना भी मत। गोलू कब गोलू? अरे इधर आ। हाँ बाबा। गोलू अम्मा को अंदर लेके जा, और चारपाई के सराहने पे एक पन्नी रखी होगी, उसमें से दवाई की पुड़िया निकाल के अम्मा को खिला दियो। जा ले जा जा अम्मा, जाओ अंदर जाओ, गोलू के साथ सोन पापड़ी खा लेना, जाओ। देख रही है कब से गेट बज रहा, खोल के ना तू। मैं क्या जाऊँ, तुम ना जा सकते, खोले जाओ खोल के। अरे तो ले हम चले जा रहे हैं यार, इसमें क्या हम खोल देंगे। अरे बाबू जी क्या हुआ, क्या कड़ी बनाने के लिए क्या मटा खत्म हो गया क्या? मैं तो यही लगता है कि हम कुछ ना कुछ ले नहीं आते हैं, दीदी से बात करने आए, वो भी नहीं आ सकते क्या? अरे बाबूजी, अरे आज तो करवा चौथ से, आज तो घर पे आराम से बैठ लेती, सुबह से भूखी इधर उधर घूम रही हूँ आप। हाँ भूखे हमें मरोड़ तुम्हारे पेट में मच रही है, आ नहीं सकते क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है बाबू जी, वो आप सुबह से भूखी थी ना, इस वजह से कह रहा हूँ मैं तो। हाँ तो क्या हुआ है, हमारा पति तो एकदम गाय है, मैं उसके लिए तो दो दिन और व्रत रह लूंगी। अरे बाबू जी उसको गाय नहीं, जोरू का गुलाम कहते हैं।
हाँ कुछ भी कहते हैं मगर तुम्हारी तरह नहीं है। मेरे मुंह से कुछ भी निकले पट सीधे ला के देते थे बेचारे मेरे स्वामी। हाँ देखो स्वामी, सुबह मैंने देखा था बेचारे से पहुँचा लगवा रही थी आप। हाँ तो क्या हुआ, हम तुमसे लगवा रहे थे पहुँचा, हमारे पति है, दुख सुख में वो हमारा साथ देते हैं, हम उनका साथ देते हैं, ऐसे चलता है परिवार। तुम्हारी तरह थोड़ी, एक महीने से जीजी बिचारी तुमसे नेकलेस की कह रही है, तुमने लाके दिया है? है? तुम्हें कैसे पता चला? सुनीता क्या तू पूरी दुनिया में कह आई क्या नेकलेस की? उन्होंने ना हमसे कही नेकलेस की, हमने कहा उनसे नेकलेस की तो हा? हमारे पति ने खुद दिया है हमें नेकलेस। अच्छा अब मेरी समझ में आया, ये कहाँ से पट्टी पढ़ाई जा रही है? ये देखो ऐसी सहेली होती है जो घर में आग लगवाती है। अरे तुम्हारा पट्टी तो दो नंबर का काम करता है, तो तुम्हें ला के दे दिया नेकलेस। मैं कहाँ से ला के दूँ नेकलेस, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ मैं, दो पैसे जोड़ जोड़ के परिवार को चला रहा हूँ। ऐसा है हमें नहीं सुननी आपकी रामायण, हटो तुम रास्ते में चौकीदार बन के खड़े हो गए हो। हम कब से तुम्हारे रास्ते में आगे, जाओ लो करो बात जाओ। जीजी गोलू की मम्मी क्या हुआ है? अरे जीजी कुछ नहीं हुआ, क्या बताएं आपको। अरे जीजी हम फिर से कुछ हुआ होगा, मैं पता है ये आदमी जीजी तुम्हारे लायक है नहीं, सही बता रहे हम। अरे मम्मी क्या कह रही हो आप, बोलने से पहले सोचा तो करिए आप क्या बोल रही हैं। हाँ तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारे बारे में तो बात कर रही हैं आप। हाँ तो ठीक है जीजी, करवा चौथ के आती है ना आदमियों की छाती पे सांप लौटने लगते हैं कि करवा चौथ आ गई, अब इनको गिफ्ट दिलवाना पड़ेगा, शॉपिंग करवानी पड़ेगी, साड़ी दिलवानी पड़ेगी है, पर ये नहीं सोचते बेचारी और सुबह से भूखी प्यासी है, किसके लिए? इनके लिए, इनकी लंबी उम्र के लिए। वाह वाह देखो कैसे कैसे फायदे गिनवा रही है चुन चुन के, वाह। और नहीं तो क्या, एक बार तुम भी बिना खाए पिए व्रत रख के देखो, दिन में चांद तारे नजर आ जाए तो मेरा भी नाम कुछ भी रख देना। अरे हमें कोई शौक नहीं है आपका नाम रखने का और ना रखने का बस। देखो तो जीजी बराबर जवाब देते हैं बराबर, ये तो खाली अपने पैसे की पड़ी है। छोड़ो जीजी इनका, तुम बताओ कैसे आई हमारे पास। जीजी हमारे पति ने हमें 20,000 रुपए दिए और जो केटीएम कार्ड दिया है, बोल लेते जाओ शाम की शॉपिंग कर लो, जो लाना है वो ले आओ जाओ। तो हमने सोचा था कि लाओ आपसे भी पूछ लें कि जीजी भी चलें साथ में। तो हम कहाँ से चलें जीजी, हमारे पास तो 2 रुपए भी नहीं है, हम क्या लाएंगे मार्केट से। तो चली जा, हम पैसे देने की थोड़ी मना कर रहे हैं, तू नेकलेस लगाए पड़ी थी, ले 2,000 रुपए ले और ले चली जा तू भी मार्केट। रख के रहो अपने 2,000 रुपए, आएगा 2,000 में जो हम चले जाए मार्केट। तो ले 2,000 में कुछ नहीं हो रहा, ले ले 5 ले ले, ले 10,000 ले ले, ले चलिया मना थोड़ी कर रहे हम। हाँ रखे रह, हमें कहीं नहीं जाना अब बस। अरे जीजी ले लो, फिर पता चले इस आदमी से ये भी ना निकले है। हाँ सही कह रही हो जीजी तुम, ये तो हला दे दो ये 10,000, चले जाएंगे हम मार्केट। अरे इनकी तरह केटीएम कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? अरे ये पागल बना रही है, कोई केटीएम कार्ड होता नहीं है, एटीएम कार्ड होता है। हाँ होता है केटीएम कार्ड, गरीब लोग रखते हैं एटीएम कार्ड, पैसे वाले रखते हैं केटीएम कार्ड। वाह केटीएम कार्ड रखते हैं पैसे वाले, धन्य हो प्रभु, वाह भगवान तुमने मुझे गरीब बनाया पर अकल पूरी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। केटीएम कार्ड लेके घूम रही है बताइए। हाँ हमारे पास केटीएम कार्ड जीजी, चले ये रात वैसे ही करवा देंगे, चलो वैसे ही मार्केट में बहुत भीड़ हो रही है। हाँ जीजी सही कह रही हो तुम, चलो चलो मार्केट चलते हैं, फिर देर हो जाएगी, शाम को तैयारी भी करनी है, चलो। हाँ सुनो मैं जा रही हूँ मार्केट, और गेट खुला मत छोड़ देना, पता चले कुत्ता बिल्ली मुंह मार जाए बर्तन भाड़े में, ठीक है? अरे जा यार तू, हम सब देख लेंगे, हम बैठे हैं यहाँ, कोई बात ना जा। तो वैसे ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। ऐसा है चुपचाप पूजा करने दो हमें। अब भी नाराज हो क्या होंगे तुम, चिंता मत करो मैं अगली बातों में नेकलेस ही दिलवाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है तो ये लो पानी तो पी लो।